नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे इंस्टाग्राम चलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो दिन रात इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन बैठा रहता था। उसे लड़कियाँ पटाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसे इंस्टाग्राम पर जो भी लड़की अच्छी लगती थी वो तुरंत उसको फॉलो कर उससे बात करने लगता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यही आदत उसको कितनी भारी पड़ने वाली थी। एक बार की बात है, जब वो अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर कुछ लड़कियों की पिक्चर्स को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसे देखते ही उस लड़के का उस पर दिल आ गया। उसने तुरंत उस लड़की को फॉलो किया व उसके साथ चैट करने लगा। उस लड़के ने उस लड़की से पूछा कि आप कहाँ रहती हो, तो उस लड़की ने बताया कि मैं बिहार से ही हूँ। वो लड़का बोला कि क्या हम मिल सकते हैं? वो लड़की बोली, क्यों नहीं, लेकिन मैं सिर्फ रात में ही फ्री रहती हूँ, मैं दिन को नहीं मिल पाऊँगी। वो बोला, ठीक है, लेकिन आप कब और कहाँ पर मिलोगी? तब वो बोली, एक काम करो, कल रात को तुम 9 बजे ईसाइयों के कब्रिस्तान के बाहर आ जाना, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगी। वो लड़का बोला, कब्रिस्तान भी कोई मिलने की जगह होती है? वो बोली, क्यों, डर गए क्या? तब वो बोला, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। वो बोली, अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो कल आ जाना 9 बजे, वहीं पर मिलते हैं। वो बोला, ओके डन, कल आपको पता लगेगा कि मुझमें कितना दम है। दूसरे दिन वो लड़का रात को 9 बजे तैयार होकर उस कब्रिस्तान के बाहर पहुंच गया, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। वहां चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। चारों तरफ कुत्ते ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, जैसे कोई मरने वाला। तभी वो लड़की वहां पर आई और उसने उस लड़के के कंधे पर अपना हाथ रखा। वो लड़का बुरी तरह से डर गया और बोला, कौन है, कौन है? वो लड़की बोली, अरे बुद्धू, मैं हूँ। वो बोला, तुमने ये सफ़ेद साड़ी क्यों पहन रखी है? तुम चुड़ैल की तरह बनकर क्यों आई हो? तब वो बोली, क्यों, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? इतना बोलकर वो उस लड़के के एकदम करीब आ गई। उसके इतना करीब आते ही उस लड़के का दीवान डगमगाने लगा और वो उस लड़की के होठों पर किस करने ही वाला था कि तभी वो बोली, यहाँ नहीं, अंदर चलो। वो बोला, अंदर, अंदर क्यों? वो बोली, कब्रिस्तान में, वहाँ कोई शक नहीं करेगा, ना ही कोई हमें देख पाएगा। उस लड़के को लगा ये सही बोल रही है, वो तो वैसे भी उसके पीछे लट्टू हो चुका था। वो तुरंत उस लड़की के साथ कब्रिस्तान के अंदर चला गया। वो दोनों किसी की कब्र पर जाकर बैठ गए। अब वो लड़का और लड़की किस करने ही वाले थे कि उस लड़के की नज़र अचानक एक कब्र पर पड़ी। उस कब्र पर उस लड़की का नाम लिखा हुआ था जिसको वो किस करने जा रहा था। आखिर में उस लड़के को उस लड़की का पूरा खेल समझ में आ गया, लेकिन इससे पहले कि वो लड़का उस लड़की से अपनी जान छुड़वा पाता, उस लड़की ने अपने पैने दांत उसके गर्दन में डाल दिए और उसका पूरा खून अपने दांतों से अपने अंदर चूसने लगी। थोड़ी ही देर में उसका पूरा खून उस चुड़ैल ने चूस लिया और उस लड़के ने वहीं पर दम तोड़ दिया। उस लड़के के दम तोड़ने के बाद उस लड़की ने उसकी लाश को साइड में फेंक दिया व जोर जोर से हंसने लगी। तभी उसके आसपास जितनी भी कब्रें बनी थी उन सभी में से मुर्दे निकलकर बाहर आने लगे और उस लड़के की लाश को नोच नोच कर खाने लगे। तो देखा आपने, इंस्टाग्राम पर चैटिंग करना कभी कभी कितना भारी पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।